squad is here. We top ranked, you bottom tier. Call yourself a killer, nah, bro. What is up, everybody, and welcome back to another video. Or as you can, like, you can see that I'm so excited because ye meri first video hai for GTA 5. I think so, because maine at least kabhi bhi upload nahi kari ek bhi GTA 5 ki video, and like I'm so much excited. Or like, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको ये बात बता दूँ कि एक्चुअली पहले मेरे काफ़ी टाइम पहले मेरे एग्जाम्स थे, लेकिन और उसके बाद आई वाज लाइक नॉट फ्री बिकॉज आई वाज मेरे को डेंगू हो गया था. एंड लाइक नाउ आई एम फाइन बट अगर और मैंने यार पता नहीं कुछ लेजी रीजंस करके मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई. सो अगर बिना आप लोग टाइम वेस्ट करें, लेट्स जस्ट गेट राइट इनटू दिस. यार आज जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, एक्चुअली इट इज़ लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू गाइस, निको बेलिक. आप सबको आई थिंक सो पता होगा कि निको बेलिक की घर कहाँ पे है इन GTA 4. नॉट घर, लेकिन GTA 4 में निको बेलिक था, ये सब तो आपको पता ही होगा. लेकिन अगर मैं अभी देखे जाए, बिकॉज मैंने तो वहाँ पे अभी जिमी वगैरह मेरे को मारना पड़ा, मैं अगर इस ईस्टर एग के लिए GTA 5 में निको बेलिक का घर है, एंड आई एम गोना प्रूव इट टू यू गाइस. और मैं खेल रहा हूँ अपने इसको Xbox 360 पे, और हाँ, और आई कैन प्रूव दिस टू यू गाइस ऑल्सो. और अभी मैं प्रूव बस अब मैं माइकल के घर से स्टार्ट कर रहा हूँ, विच इज़ फ्रॉम दिस प्लेस. अगर आप ध्यान से देखो, इस यहाँ पे देखो तो ये निको बेलिक टाइप की फिगर लग रही है. दिस बिकॉज दिस इज निको बेलिक, और लाइफ इन और एक लाइफ इन्वेडर पेज है जहाँ पे कि निको बेलिक इज लाइक वेरी मच एक्टिव. सो दिस शोज की भी निको बेलिक इज वेरी मच एक्टिव ऑन लाइफ इन्वेडर. दैट मीन्स ही इज ये जिंदा है निको बेलिक, लेकिन GTA 5 में हमको आज तक कभी नहीं मिला. लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि GTA 5 में उसका घर है, और उसका GTA 5 में भी उसका एक GTA 5 घर में का उसका घर ही नहीं, GTA 5 में उसका एक जगह भी है जहाँ पे वो काम करता है. सो आप लोगों को लग रहा है कि मैं बकवास कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ. और मैं आपको आप लोगों को अभी बस प्रूफ करूँगा, एंड आई एम जस्ट गोना मीट यू गाइस ओवर निको बेलिक्स हाउस. गाइस, हे गाइस, हाँ यार, अगर हम निको बेलिक के घर की बात करते हैं, सो निको बेलिक का घर जो है वो एक्चुअली लोकेटेड बिल्कुल स्टैंडी शोर्स के एंड, या उसको स्टार्ट कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप, लेकिन बिल्कुल स्टैंडी शोर्स में ही है उसका घर. एंड अभी बस हम वहीं पे जा रहे हैं. सो मैं बस आपको इतना मैं डोंट वरी गाइस, मैं आप लोग उसको मैं ठक गया, डोंट वरी गाइस, मैं आप लोग अभी उसकी लोकेशन भी दिखाऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा, पक्का क्यों नहीं दिखाऊंगा यार. सो अभी मैं आप लोग उसकी लोकेशन दिखाऊंगा, बट इन सम टाइम, बिकॉज पहले आई वुड लाइक टू रीच ओवर देयर और फिर आप लोगों को दिखाऊंगा. सो आई एम गोना मीट यू टिल देयर. सो आई यार ये लाइट बढ़िया जाती है. सो गाइस, अगर हम निको बेलिक के घर की बात करें, सो आई एम एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, लाइक हाँ ठीक है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, यार मैं निको बेलिक के घर के बिल्कुल सामने हूँ, एंड आई एम गोइंग टू प्रूव यू कहाँ है उसका घर और उसकी लोकेशन. आपको बस अभी ये देखो यार. सर तुम लोग देखो तो ये उसकी लोकेशन है जहाँ पे मैं हूँ एग्जैक्टली इस प्लेस पे, लाइक यू कैन सी इट राइट ओवर हियर. सो यार ये है निको बेलिक के घर के लोकेशन, और यार इसको तुम सैंडी शोर्स के स्टार्टिंग या एंडिंग बिल्कुल कुछ भी कह सकते हो. एंड अगर हम इस घर के अंदर जाते हैं, यार मैं आपको अभी बस दिखाता हूँ, एंड यू कैन यूज दिस एज माइकल, बिकॉज एक तीन चार और मैंने अपनी गाड़ी को बिल्कुल रैक कर दिया है. सो आई डोंट केयर बिकॉज मैंने गाड़ी बहुत सही है, और इट्स योर विश है, कुछ तुम लोग कुछ भी उसको यूज कर सकते हो, तो माइकल भी ले सकते हो, फ्रैंकलिन भी, बट आई वुड प्रेफर माइकल. सो यार अगर हम देखा जाए इस घर को, अगर हम ध्यान से देखा जाए, यहाँ पे काफ़ी सारे ओवर ग्रोथ है काइंड ऑफ, कि भी यहाँ पे जैसे अभी तुम लोग वहाँ पे देख सकते हो कि कहीं किसी जगह पे वहाँ पे ट्रीज ऐसे श्रब्स ग्रोन है हर जगह पे. लाइक अगर हम इधर जाए तो इधर भी काफ़ी सारे श्रब्स ग्रोन है, और तो काफ़ी ओवर ग्रोन सी प्लेस लगती है. यहाँ पे टायर्स वायर ऐसे अबैंडन्ड कह लो, अबैंडन्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ऐसी एक प्लेस लगती है यहाँ पे. और यहाँ पे कुछ ग्रेव, एक शॉवल वगैरह भी पड़ा है. सॉरी मैं गलती से आगे गिर गया था. जैसे कि यहाँ पे भी शॉवल वगैरह भी पड़ा है, एंड आई थिंक यार जहाँ पे जो भी जितना भी रेस सा पाथ है, ये सारा कुछ वो है ग्रेव्स का.
देखा जाए यार ये घर थोड़ा अबैंडन टाइप का लगता है एंड अगर इस घर के सामने जाएं और मैं आपको अगर बोलूं कि निको बेलिक की एक फोटो है इसमें सो यू विल से क्या बकवास है यार बट दिस इज ट्रू और मैं अभी आपको प्रूफ कर देता हूँ और ये भी आपको प्रूफ करेंगे निको बेलिक का घर है बिकॉज ये फोटो होती है कोई प्रॉब्लम नहीं है सो गाइस ये रहा एक वांटेड पोस्टर है यहाँ पे निको बेलिक का एंड बिकॉज ये अगर देखा है GTA 4 में एक बारी क्या कहते हैं इसको निको बेलिक खुद कहता है कि मैंने आपकी आपको ऑडियो क्लिप नहीं सुना सकता लेकिन आई मे पुट इट आई मे नॉट बिकॉज मैं लाइक काइंड ऑफ नाउ आई कांट सो जिसमें आपको ये बस इतना बताना कि यार निको बेलिक ने इसमें कहा था कि आई वॉन्ट टू लिव पीसफुल आफ्टर ऑल दिस शिट एंड जितना भी यहाँ पे जितना भी उसने GTA 4 में जितना भी लिबर्टी सिटी में उसने गंद फैलाया जो भी करा आई डोंट केयर फॉर दैट लेकिन वो अब एक नॉर्मल एंड पीसफुल लाइफ जीना चाहता है सो दैट इज़ वाई वो अब जी लॉस एंजेलस में आया लेकिन अब एक पीसफुल लाइफ लेने जीने के लिए एवरीबॉडी नोज कि आपको पैसा चाहिए और यार पैसा उसने कहाँ से कमाया होगा यू डोंट नो मैं अभी आपको बस बताता हूँ कि कहाँ से उसने पैसा कमाया होगा एंड यू कैन सी ये एक वांटेड पोस्ट है जैसे कि ये भी हो सकता है प्रूफ कि वहाँ पे उन्होंने कुछ वो अच्छी डीड्स करना चाहता था लेकिन निको बेलिक कर नहीं पाया अच्छी डीड्स सो और वो कुछ गलत ग्रुप में पड़ गया हाँ और दूसरी अगर बात कही जाए जो कि इसकी है ये जो डार्ट वाला दिख रहा है ये सेम डार्ट यू नो आई थिंक सो गाइस यार आप लोगों को भी पता होगा कि ये डार्ट और एक जगह पे दिखता है जो कि है ये जगह है दैट इज ये डार्ट वाली जगह है एक्चुअली इस वक्त मेरा ये शो नहीं कर रहा आई थिंक यार ये जब भी हम इस घर के पास जाते हैं सो ये काइंड ऑफ ईस्टर्न एग एक्टिवेट हो जाता है जिससे कि वहाँ से वो जगह हट जाती है एंड इफ़ यू गाइस कैन सी वहाँ पे मैंने मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का रखा है यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे एक और डार्ट का लोगो आएगा जैसे मैं इस घर से थोड़ा दूर जाऊँगा और उधर पास में आप लोगों को दिखेगा वहाँ पे एक डार्ट का ऑप्शन आ जाएगा सो यार अब लेट्स जस्ट वेट मैं आप लोग अभी दिखा दूँगा कि ये वो जगह ही है निको बेलिक का घर यू नो व्हाई मैं आपको बस अभी दिखाता हूँ और हाँ और यार अभी तो मैंने आपको बता दिया ये निको बेलिक का घर है बिकॉज यहाँ पे ये वाला डार्ट सा एक बिकॉज यहाँ पे ये डार्ट वाला पड़ा हुआ है एंड आई एम गोइंग टू शो ये डार्ट क्या सिंबलाइज करता है और इस डार्ट की GTA 5 में कितनी इंपॉर्टेंस है रिगार्डिंग निको बेलिक और यार यहाँ पे कभी कभार ना निको बेलिक की गाड़ी भी स्पॉन होती है मैं ये सारी चीज़ें अभी बाद में कवर करूँगा एंड बट नॉट नाउ सो बस अभी मैं आपको तब मिलता हूँ जब हम उस जगह पे पहुँच जाते हैं इन सम टाइम हे गाइस यार मैंने वैसे सोचा कि टाइम की बात रहने दो और थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं एंड आई जस्ट वांट टू से यार मैं काफ़ी सही ना यार अभी मैं बनाऊँगा वीडियोज़ यार मेरे को यार ये चीज़ें नहीं करनी होती सर अभी मैं ना यार काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें कि मैं GTA 5 के बारे में GTA 6 के ईस्टर एग्स भी बताऊंगा यार जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ईस्टर एग की बात करूं जो कि है GTA 6 का आप लोगों को पता होगा यार रॉकस्टार गेम्स हमेशा जमाने का GTA San Andreas के बाद GTA 4 आई है सो यार GTA San Andreas में GTA 4 का या तो पीस ऑफ मैप या फिर एक पूरा मैप होगा और GTA San Andreas में था पूरा मैप एंड सेम अगर मैं इस गेम की बात करूँ तो ऑब्वियसली यार GTA 6 का मैप तो होना ही चाहिए और यार GTA 6 का मैप है यार और यार मैं उस चीज़ को मैं अपनी अगली वीडियो में कवर ज़रूर करूँगा बिकॉज यार ये काफ़ी बड़ा ईस्टर एग है एंड आई नॉट गोइंग टू लीव इट लाइक दैट और यार मैं काफ़ी सारी ईस्टर एग्स डेवलप करना चाहता हूँ यार उसके लिए मैं डेवलप नहीं आई मीन मैं ढूंढना चाहता हूँ यार और उसके लिए यार मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना बिकॉज लाइक कम्स एज मोटिवेशन एंड सेम यार चीज़ मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना बिकॉज ताकि मैं और भी ऐसी चीज़ें बना सकूँ एंड स्पेशली यार इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू मिस सम ऑसम स्टफ लाइक दिस यार यू नीड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन तभी यार आप लोग नोटिफाई हो पाओगे कि मैं ऐसे ऑसम वीडियोज निकाली हैं एंड यार अब हम बस पहुँच गए हैं यार उस लोकेशन पर एंड एक सेकेंड यार मैं घर जगह पर मार्क कर देता हूँ हाँ सर यहाँ पर देखा जाए ये पार्ट माई कार ओवर हियर और यार ये इस जगह का नाम है येलो जैक इन
वन ऑफ द ट्रेवल मिशन में हम इस जगह पे आते हैं मिस्टर चेंग को ढूंढने के लिए, ये है जेलो जैक इन, ठीक है। सो यार इसकी लोकेशन भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, इसकी लोकेशन ये है, इसकी लोकेशन ये है। यहाँ पे एक डार्ट का सिंबल अब आया है, बिकॉज मैंने आपको कैसे कहा था कि अगर हम उस घर से दूर जाएंगे तो अपने ऑटोमेटिकली वहाँ पे डार्ट का सिंबल आ जाता है। आई डोंट नो यार, एक काइंड ऑफ ईस्टर एग एक्टिवेट होता है, आई डोंट नो कैसे, लेकिन काफ़ी सारे ईस्टर एग्स अगर आप तुम कुछ करो तभी एक्टिवेट होते हैं। सो यार अभी अगर तुम वहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक काइंड ऑफ यहाँ पे एक डार्ट का सिंबल आ गया है दिस, और अगर मैं इस येलो जैकेट के अंदर में अगर मैं अंदर जाता हूँ, सो अब तुम देखना है डार्ट का यूजेज यहाँ पे आती है, और ना ही डार्ट की एक और चीज की बात आती है। अब देखते हैं, अब हम जैसे इसको एंटर करेंगे, हम अगर इस जगह पे जाते हैं, ये डार्ट वहीं उसी घर पे भी था। सो यार अगर ध्यान से नोटिस करा जाए, मैं बस एक बार बस आपको आप लोगों को इतनी बार बता दूं कि आई एम नॉट मूविंग इट, हाँ यार अगर मैं आप लोगों को बस इतनी बार बता दूं कि ये जो ये डार्ट है, अगर मैं आपको बोलूँ ये येलो जैकेट काइंड ऑफ को ओन्ड था, या फिर निको बेलिक ही इस जगह का ओनर था, मैं ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, एक सेकंड, शांति रखो, अभी तुम लोगों को मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, अभी प्रूफ करता हूँ यार, अभी तुम देखो। अब देखो यार, जनरली देखो यार, ये चीज़ इंडिया में नहीं है लेकिन स्टिल फॉरेन में तो है, कि अगर मान लो यार यहाँ से मैं ये एंटर, अगर मैं जैसे ही एंटर करता हूँ, ऑन द लेफ्ट देखा जाए एक फेमस जैकेट ऑफ निको बेलिक है यार, ऑफ निको बेलिक। ये जैकेट जो तुम देख रहे हो, ये जैकेट तुम्हें देख रही है, अगर तुम किसी भी GTA 4 के अगर तुम किसी भी लोगों में देख लो जहाँ पे निको बेलिक भी होगा, वहाँ पे तुम्हें वो इस जैकेट में मिलेगा, जिसने कोट के अपने कोट के अंदर पहन रखी होती है, ये है उसकी जैकेट। अब अगर कोई भी बंदा होता है, इंडिया में तो ये चीज़ नहीं होती, अगर कोई भी बंदा होता है ऐसे ऐसे साइड पे अगर अपना कोट रखता है, दैट मीन्स कि भी वो बंदा इस जगह के अंदर आया है, लेकिन अगर वहाँ से वो चीज़ नहीं निकली है तो फिर वो बंदा यहाँ से बाहर नहीं गया, दैट मीन्स उस बात भी हम बाद में आएंगे कि किसने, मैं एक सिंपल सा आपको इतना बता दूँ कि यहाँ पे बस मैं इतना प्रूफ करना चाहता हूँ कि ये ही ट्रेवर कैरम, ये ही जगह है उसके घर की, घर की नहीं, घर की मैंने आपको लोकेशन दिखा दी थी, ये जगह है निको बेलिक की को ओन, या फिर ओन कुछ भी कह सकते हो आप, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू। अगर तुम लोग नोटिस करो, ये जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग में जो कार दिख रही है यार तुम लोगों को, ये कार जो है ये GTA 4 में से है, आई डोंट नो सम, ये एक मैंने कल से एक चीज़ कर दी यार, ये जो कार है, मैं अभी बस आपको ये रखना बता दूँ यार, ये जो कार है ये GTA 4 के वन ऑफ द मिशन, आई डोंट नो उसका मिशन का नाम क्या, बिकॉज मैंने कभी GTA 4 खेली, काइंड ऑफ खेली है लेकिन नहीं भी, बिकॉज मैं तो GTA 4 का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, तो GTA 5 मैंने बहुत खेली है, एंड एक्चुअली मैंने GTA 5 को 4 बार ही कम्प्लीट कर चुका हूँ इन अ ईयर, एंड काफ़ी एक अच्छी गेम लगती है मेरे को भी, बिकॉज हाँ बिकॉज यार इसमें ईस्टर एग्स मैंने इसी साल से ढूंढने शुरू करे हैं, बिकॉज यार आई लव ईस्टर एग्स। और अभी अगर मैं इसके अंदर जाऊँ, एक्चुअली अगर मैं अगर जैसे मैं अभी मैं जाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, जल्दी चल माइकल, यार अगर हम जैसे इसके अंदर जाएँ तो यहाँ पे अगर तुम लोग यार अभी वो टूटी हुई है यार इमेज, अब मैंने गलती से उसको तोड़ दिया है, लेकिन मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर जो यहाँ पे जो इमेज है, यू कैन गो, तुम लोग यार इस लोकेशन में, तुम्हें मैं बता देता हूँ, तुम लोग यार इस लोकेशन में जा सकते हो, ये जो लोकेशन है सैंडी शोर्स में ही है, इस लोकेशन में तुम लोग जा सकते हो, यहाँ पे जो एक फ़ोटो फ्रेम आता है, तुम लोग अगर कुछ जब मैं शूट करा उसको अगर तुम थोड़ा सा रिवाइंड कर, वहाँ पे तुम्हें एक गाड़ी दिखेगी जो मैंने कहा कि किसी मिशन में, आई डोंट नो विच मिशन में, लेकिन अगर तुम उस पर अगर यहाँ पर जूम करो तो यहाँ पर निको बेलिक उस गाड़ी के अंदर बैठा था। अब यार नॉट ओनली इन इंडिया, किसी भी जगह पे अगर तुम जाओ, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा यार जो मतलब यार ऐसे ही नहीं कि भी अगर अगर
अगर कोलकाता में कोई बंदा रहता है और उसने मेरी वहाँ की फोटो लगा रखी है, सो ऐसे कोई फालतू में उसने लगा रखी, या तो मैं उसको कोई ट्रस्टी होगा या कोई मेरे रिलेशन में होगा, लेकिन उसने कुछ ना होगा कुछ ना कुछ रीज़न होगा जिस करके उसने मेरे ये उसने ये लगाया रखी है. लेकिन इसीलिए दैट इज़ वाई ऐसे कि ये जो जगह है दिस येलो जैक इन लोकेशन, मैं आपको लोकेशन यार यही है लोकेशन, ये देख लो लोकेशन यार, ये लोकेशन है. सो यार अगर तुम ये येलो जैक इन जो है ये, अगर मैं बोलूँ कि ये इसलिए मैं कहता हूँ यार कि ये ओन्ड है बाय निको बेलिक एंड रोमन बेलिक, बिकॉज अगर कहीं ना कहीं पे स्टिल आई डोंट नो यार इसके ऑडियो मेरे को मिलेगी कि नहीं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट ऑडियो ढूंढने का. लेकिन अगर कहीं से भी तुम देखो यार कि ये इसकी जो ऑडियो है, आई जस्ट पॉज माई गेम सर, अगर तुम लोग देखो यार इसकी जो इस एक ऑडियो में उसमें रोमन बेलिक जो निको बेलिक का भाई है वो बोलता है कि आई वॉन्ट टू लिव पीसफुल लाइफ विद यू एज यू से, तो मैंने अभी पहले बोला, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू ओन अ टैवर्न. टैवर्न इज अ प्लेस जहाँ पे लोग पीसफुली आते हैं, खाते हैं और ड्रिंक विंक करते हैं और बस चले जाते हैं, तो एक पीसफुल लाइफ वो जीने जाते थे. और इसीलिए मैं कहता हूँ ये प्लेस जो है ये को ओन्ड है, या फिर ये जो जगह है ये ओन है बाय निको बेलिक एंड रोमन बेलिक और आइदर ऑफ देम, और या फिर दोनों से ही. सो मैं बस इतना चाहता हूँ ये ओन है बिकॉज, और यार अगर देखा जाए कि लाइफ इन्वेडर पे अब जी में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग वाला वीडियो मैंने दिखाया था कि वो उस वीडियो में था, लेकिन अगर मैं बता दूँ कि यार निको बेलिक इज नॉट अ लाइव राइट नाउ, यार ये बात सच है बिकॉज ये काफ़ी रोने वाली बात है, बिकॉज ये रोने वाली बात इसलिए बिकॉज यार निको बेलिक को मार दिया गया था, एंड आई कैन प्रूव इट टू यू गाइस, बिकॉज अगर जैसे मैंने अभी आपको लोगों को प्रूफ कर दिया कि ये जगह निको बेलिक या रोमन बेलिक, निको बेलिक दोनों ने ओन करी है या ओन करी है कुछ भी कह लो. सो अगर मैं यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा आगे जाए, यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे उसके काफ़ी सारे यहाँ पे काफ़ी सारे वो है ये ब्लड मार्क्स लग रखे हैं जो कि इस डोर के पास जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डोर नहीं खुला. इसलिए गाइस मैं कह रहा था कि यहाँ पे जो है एक फाइनली जाके एक सो गाइस फाइनली यहाँ पे आके जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक बॉडी का ऐसे निशान दिखता है इस जगह पे, जिसका दिस इंडिकेट्स कि यहाँ पे आके वो मर गया था निको बेलिक. एंड गाइस अगर मैं ये बात मैं आपको फिर से प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो में नहीं यार, अगली वीडियो में, बिकॉज यू नो मैं आपको यार ये चीज़ अपनी अगली वीडियो में आप प्रूफ करूँगा. एंड यार आज की वीडियो के लिए सपोज इतना काफ़ी, बिकॉज मैंने आपको बता दिया कि निको बेलिक इज स्टिल देयर इन GTA 5 एंड ही इज काइंड ऑफ डेड, बट आई एम नॉट श्योर, बट मैं बता सकता हूँ आप लोगों को, आई कैन प्रूव इट, आई कैन सर्च इट एंड बट स्टिल आई ट्राई. सो यार अभी अगर मैं इस वीडियो को आई थिंक सो यार मेरे को ख़त्म कर देनी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस. एंड यार बहुत मेरे को मज़ा आता है यार ऐसे ईस्टर एग्स ढूंढने के लिए. एंड हाँ सो गाइस यार आई एम फाइनली डन यार, बहुत मैंने आज आप लोगों को निको बेलिक के बारे में बता दिया है. एंड आई होप यार तुम लोग अपने आप ट्राई कर सकते हो यार. अगर मैं एक बार फिर से आपको लास्ट में लोकेशन अगर मैं शो कर दूँ, अगर मैं निको बेलिक के घर की लोकेशन शो करूँ, सो इट इज़ हाँ ये समवेयर अराउंड ये लोकेशन है, पॉज करके तुम लोग देख सकते हो, अब देख सकते हो तुम लोग पॉज करके. एंड अगर देखा जाए जहाँ पे वो ओन करता है, जहाँ पे वो कुछ काम करता है, जैसे मैंने बोला था कि कुछ ना कुछ तो काम करेगा, सो यार वो ये जगह है. एंड आई हैव शोन यू व्हाई. So guys, that is all for today's video and आई होप यार आप लोगों को यार मज़ा आया होगा, बिकॉज मेरे को यार ऐसे बहुत मज़ा आता है ये सारी स्टोरीज फाइंड आउट करने के लिए. एंड गाइस यार मेरे को तो बड़ा मज़ा आया, और यार आज की वीडियो में बस इतना ही. एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस, अगर ऐसी ईस्टर एग्स आप लोगों को देखने हैं, सो जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड निको बेलिक ईस्टर एग, कोई GTA 6 का ईस्टर एग, कोई भी ईस्टर एग, घोस्ट ईस्टर एग, यार 100 ईस्टर एग यार इस पूरी गेम में, जो कि अभी अगर 100% गेम में से 5% पूरी गेम में से अभी भी ईस्टर एग्स बचे हुए हैं जो कि गेम के अंदर नहीं है, लेकिन नेक्स्ट DLC या फाइल क्लोज के अब आएगा, लेकिन इट इज़ नॉट स्टिल अराउंड ओवर हियर. यार इस वीडियो को यार जरूर लाइक करना और ऐसे ही GTA 5 की ईस्टर एग्स के लिए. एंड गाइस ऑल्सो आप लोग यार सब्सक्राइब करना टू जस्ट
enjoy this or some awesome stuff like this, and I'm just going to meet you in bell icon zarur press karna, description box ek baar zarur check karna, because Instagram ka, Snapchat ka, Facebook ka sab ka username tum logo niche description box mein mil jayega. And guys, till then, till that time, just stay absolutely awesome and subscribe to my channel. Peace.